स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फाइव, आज हम लोग इस नए वीडियो के माध्यम से चैप्टर सेवन डेसिमल्स की एक्सरसाइज 26 एंड 27 के बारे में समझेंगे। एक्सरसाइज 26 की क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में कन्वर्सन है डेसिमल फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करना और फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना। क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस। क्वेश्चन है ए में 4.3 को डेसिमल फ्रैक्शन लिखना है। 4.3 के लिए हमने डेसिमल फ्रैक्शन क्या लिखी है, 43/10। कैसे लिखेंगे, डेसिमल के बाद 4 यहाँ पर होल नंबर है, डेसिमल के बाद 3 है, 3 किस प्लेस पर, 10th प्लेस पर है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि यह 4 होल और 3 टेंथ से बने हैं। 4 होल और 3 टेंथ का मतलब हुआ 43/10। इसको समझने की दूसरे तरीके हैं कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं, उतने 1 पर 0 लगाकर हम लोग उस नंबर का डेनोमिनेटर लगा देते हैं। जैसे 4.3 है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो क्या करेंगे, 43/1 पर 1 0। उसी तरह है 0.8 के लिए 8 लिखे, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, 1 पर 1 0 लगा दिए, 8/10। 7.85 में से हम डेसिमल हटाकर क्या लिख दिए, 785/1 पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, 20 लगा दिए। यहाँ पर सेम है, यहाँ पर क्या है, 9.758 से डेसिमल हटाकर हमने लिख दिया 9758। डेसिमल के बाद 1, 2, 3 डिजिट है, 1 पर 3 0 लगा दिए। तो कहने का मतलब है कि जब डेसिमल फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो डेनोमिनेटर 10, 2 डिजिट है डेसिमल के बाद तो 100, 3 डिजिट है तो 1000, 4 डिजिट है अगर डेसिमल के बाद तो 10,000 उसका डेनोमिनेटर लगा देते हैं, वही उसका होता है फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में है कन्वर्ट फ्रैक्शन इन डेसिमल्स, फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना है। फ्रैक्शन दिए गया है 285/100 से ठीक उसके विपरीत क्या करेंगे, 1 पे कितने 0 है, 2 0 है, 1 पे 2 0 है, तो राइट साइड से डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट साइड कर देंगे, 1, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, क्या हो जाएगा, 2.85। दूसरा क्वेश्चन सी नंबर देख रहा है कि 6,402/1000 है, 1 पे कितने 0 है, 3 0 है, डेसिमल 3 डिजिट लेफ्ट साइड कर देंगे, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, यानी 4 के पहले डेसिमल लगा देंगे, क्या हो जाएगा, 6.402। तो जब डेनोमिनेटर 10, 100, 1000 हो तो इस तरह से डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। यदि डेनोमिनेटर जो है 10, 100, 1000 के अलावे दूसरे नंबर हो तो उसको हम डिवाइड करके कन्वर्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन है 27/5, इसके लिए हमने क्या किया, 27 को 5 से डिवाइड किया। 27 चूंकि होल नंबर है तो उसमें हम डेसिमल लगाकर जितने भी जीरो लिख देंगे उनकी वैल्यू नहीं होगी, तो जीरो डेसिमल लगाकर जीरो का यूज किया जा सकता है, जिसका मैंने किया है। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 से 5 टाइम में 25, सब्ट्रैक्ट किए 2, अब तो कोई डिजिट नहीं है या एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, यह डेसिमल लगा कर यहाँ पर हमने जीरो ले लिया है, इस डेसिमल को हम यहाँ एक क्वाशेंट में ले लेंगे और तब ऊपर से डिजिट उतारेंगे 0।
जीरो नीचे करेंगे क्या बन जाएगा 20, 5 4 जा 20। तो इस तरह से यह एग्जैक्टली डिवाइड हो गए। तो तब तक हम डिवाइड करते हैं जब तक कि एग्जैक्टली डिवाइड ना हो जाए। कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होती है, तो क्या करेंगे उसके लिए कम से कम 3 डिजिट तक डिवाइड करेंगे और उसका वह डेसिमल फॉर्म लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या आया 5.4, therefore 27/5=5.4। सेम है इसी तरह से एक क्वेश्चन है 8 को 3/4 क्या करेंगे, दो तरीका है, एक होल नंबर है तो होल नंबर के रूप में लिख देंगे, 3 को 4 से डिवाइड कर लेंगे, या दूसरी तरीका है इसको इम्प्रोपर में चेंज कर लेंगे 8 4 = 32 और 3 35/4। अब 35 को 4 से डिवाइड करें, 35/4 है तो 35 को 4 से डिवाइड करें। यहाँ भी हम डेसिमल लगाकर अपनी जरूरत के अनुसार 0 लगा लेंगे, क्या होगा 4 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे तो 32, इसको सब्ट्रैक करेंगे क्या होगा 3 0। अब ऊपर से हम यह डेसिमल के बाद की डिजिट 0 को लेने से पहले इस डेसिमल को पास में लगाएंगे। अब 1 0 के यहाँ लेना है क्या होगा 4 7 20 8, इसको सब्ट्रैक किए क्या बचा 2। अब फिर इस 0 के यहाँ लेना है क्या होगा 20 4 5 4 5 4 5 20 डिवाइड हो गए, क्या हो गया आंसर 8.7। तो इस तरह से कन्वर्सन डेसिमल टू डेसिमल फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन टू डेसिमल करते हैं। आगे एक्सरसाइज 27 में चलते हैं। एक्सरसाइज 27 में हमें मल्टीप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है। मल्टीप्लीकेशन में फर्स्ट टाइम है मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स बाय ए होल नंबर, डेसिमल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना। क्वेश्चन है 3.7/12, यानी 3.7 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे डेसिमल को भूल जाएंगे और होल नंबर की मल्टीप्लाई कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 37 × 2 = 12 क्या हो जाएगा 2 से पहले करेंगे 37 को 74, वंस पहले इसके सामने क्रॉस कर दिए 1 से 37 को मल्टीप्लाई किए 37 ऐड कर लेंगे 4 7 7 14 4 carry 1 3 और 1 4। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है पहले नंबर में, दूसरे नंबर में कोई डेसिमल नहीं है, यानी इधर से राइट साइड से 1 डिजिट बाद हम लोग डेसिमल का यूज कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर की तरह और मल्टीप्लाई में प्रयुक्त नंबर्स में डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होंगे उतने ही डिजिट लेफ्ट साइड से काउंट करके डेसिमल यूज करेंगे, यानी 3.7 = 8 = 44.4। दूसरी क्वेश्चन एक और लेते हैं 1.32/30, 1.32 को मल्टीप्लाई करना है 30 से, क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 = 6 3 3 = 9 3 1 = 8। यहाँ डेसिमल लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, डेसिमल को भूल कर ही मल्टीप्लाई करना है। अब 1 से मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ पर 1 पहले इसके सामने क्रॉस कर दिए 1 2 = 2 1 3 = 3 1 1 = 1, इसको ऐड कर लिए 6 9 और 2 11 का 1 carry 1 3 3 6 और 1 7 1 का 1। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद 1 2 2 डिजिट है, इसमें कोई डिजिट डेसिमल नहीं है, तो इधर से 1 2 2 डिजिट काउंट करके डेसिमल यूज कर दीजिए, क्या बन गया नंबर 17.1। Therefore 1.32 × 30 = 17.16। तो मल्टीप्लाई सेम है इसी तरह से होल नंबर की तरह करते हैं और उसमें डेसिमल का यूज जो है दिए गए प्रॉब्लम में डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने बाद राइट साइड से काउंट करके करते हैं। आगे है मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स बाय 10 100 1000,
वैसे नंबर जिन पर वन पर जीरो रहते हैं, 1 0 2 0 यानी 10 100 1000 10000, इस तरह के नंबरों से मल्टीप्लिकेशन करना हो तो इसके लिए मल्टीप्लाई की मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऐसे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है 3.61 मल्टीप्लाई 10, 10 में 10 है, डेसिमल को 1 डिजिट राइट साइड कर दो, कहाँ 3.61 है, डेसिमल को उठाकर 6 के बाद कर दो, क्या हो जाएगा 36.1, अपना आंसर वही हो जाएगा 36.1। जैसे बी में है 1.005 मल्टीप्लाई 0, जानते हैं किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, इसलिए यहाँ भी 1.005 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं 3.764 मल्टीप्लाई 100 में 20 है, 100 में 20 है, डेसिमल को 2 डिजिट राइट साइड करते हैं, यहाँ पर डेसिमल है 1 2 डिजिट राइट साइड कहाँ जाएंगे 6 के बाद, क्या हो जाएंगे नंबर 376.4, आंसर हो जाएगा 376.4। उसी तरह 3.3 मल्टीप्लाई 100 है, 100 में 20 है, डेसिमल 2 डिजिट राइट साइड जाएगा, यानी 3.3 के बाद कोई डिजिट नहीं है, 10 का यूज कर, क्या हो जाएंगे 330। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 जो है इसी तरह मल्टीप्लाई है जो वर्ड प्रॉब्लम के रूप में है, इन वर्ड प्रॉब्लम को करने के लिए सेम है, इसी तरह कुछ जो है मल्टीप्लाई करेंगे और उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है कि द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क इज ₹14.50, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 125 लीटर मिल्क, 1 लीटर मिल्क की कीमत जो है कॉस्ट है 14.5 रुपीज़ है, तो हमें मालूम क्या करना है 125 लीटर, द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क इक्वल टू 14.50 रुपीज़, द कॉस्ट ऑफ 125 लीटर ऑफ मिल्क इक्वल टू ₹14.50 मल्टीप्लाई 125, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 500 5 5 25 का 5 कैरी 2, 5 4 20 20 और 2 22 का 2 कैरी 2, 5 1 5 और 2 7। अब उसके बाद क्या होगा, 20 के सामने क्रॉस कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 200, 25 10 का 0 कैरी 1, 24 8 और 19 2 1 2, उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 1450, इस तरह इसको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो क्या होगा 0 5 2 7 और 9 16 और 5 21 का 1 कैरी 2 4 2 6 और 2 8 का 1 का 1। डेसिमल यहाँ देखेंगे कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसमें कोई डेसिमल नहीं है, तो इधर से राइट साइड से 1 2 2 डिजिट काउंट करके डेसिमल लगा दें, क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 125 लीटर में ₹1812.5। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज के बाकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन है जिसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, आशा है आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।